अच्छा, अब से कुछ ही देर में चेयरमैन इमरान खान हमारे साथ होंगे, और एक तो रिक्वेस्ट है, पहले ये कि जब भी अगर आपको माइक मिले तो प्लीज़ जो वॉल्यूम है आपका प्लीज़ थोड़ा बढ़ा के बोलिएगा, और भी डिवाइसेस से रिकॉर्डिंग हो रही है और फ़ोन थोड़ा दूर है तो वो बहुत हेल्प करेगा। दूसरा ये कि आप सबको पता होगा कि ये ट्रैकर नंबर की स्पेस होने वाली है, तो अगर ये क्रैश करती है स्पेस, तो फिर हमारे पास एक बैकअप सोल्यूशन है इमरान खान लाइव का। वो जो बैकअप सोल्यूशन है वो ये जो पीटीआई ऑफिशियल जो अकाउंट है जिससे हम लॉग इन है इस वक्त, वो बैकअप सोल्यूशन उसके जो पिन ट्वीट होगा, जो पहला ट्वीट होगा उस पर वो बैकअप सोल्यूशन जिब्रान करती है, तो प्लीज पीटीआई ऑफिशियल के अकाउंट पे जाके वो बैकअप सोल्यूशन आप जरूर देखेगा। तो वॉल्यूम आपने बड़ा रखना है, और बहुत सारी रिक्वेस्ट आएंगी तो मैम एज होस्ट और रिप्रेजेंटिंग पीटीआई सोशल मीडिया टीम, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप माइक ना मिले प्लीज नाराज ना होइएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हम इमरान खान को यहाँ लाइव सुन सकेंगे, ये पाकिस्तान की इंडस्ट्री में पहली बार तो ये हो रहा है कि नेशनल लीडर लाइव हमारे साथ होंगे, और ये बहुत ख्याल रखिएगा कि अगर आपके पास माइक आए तो प्लीज उसको अपना क्वेश्चन जो है शॉर्ट रखिएगा, और प्लीज वॉल्यूम का मैं एक और बार रिमाइंड करा दूं बिकॉज काफी डिवाइसेस है ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो फिर छोड़ूंगा। ठीक है, अच्छा मुझे अभी अभी एक न्यूज आई है कि वी ऑलरेडी ब्रोकन द रिकॉर्ड, 57,000 पीपल स्पेस में है, तो हमने रिकॉर्ड तो ब्रेक ऑलरेडी कर दिया है। खान साहब अभी आई है, तो मैं बस दो मिनट में खान साहब को माइक और यहाँ उस पर लेते हैं और फिर शुरू करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। वो किधर है वो निशानी निशानी? अच्छा यार तुम तो लाहौर थे, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत हमें सोशल मीडिया की। जी आप लाइव हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जिब्रान,
okay, we are not live. Gibran, please continue. Or Moiz, you can continue. Gibran, chairman is here, just ask question. देखिए जिब्रान, मेरी जो अब 26 साल की स्ट्रगल है वो स्ट्रगल एक करप्ट माफिया के खिलाफ थी, और वो जो करप्ट माफिया था वो दो पार्टी फैमिली पार्टीज और फिर इनके साथ एफिलिएट हो गए लोग जो कि सब एक करप्ट सिस्टम के से फायदा उठा रहे थे, बेनिफिशरीज थे करप्ट सिस्टम के। तो मैंने तो जब पहले दिन आपको पता नहीं मैंने जो पहले खिताब किया कौम से, तो मैंने पहली चीज ये कही कि ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे और ये सारे जमहूरियत के नाम पे मेरे खिलाफ कैंपेन करेंगे। ये मैंने पहले दिन अपने खिताब से कहा था, क्योंकि देखिए एक मैं आपको जरा एक असूल बताता हूँ कि अगर एक मल्टीनेशनल के अंदर भी अगर आपने चेंज लेके आना है तो चेंज तब आता है जब वो बेनिफिशरीज एक पुराने सिस्टम के हो, उनको जब तक आप हटाते नहीं तब तक आप चेंज नहीं ला सकते। तो मुझे तो पता था कि जब भी जिस वक्त इस मुल्क में इस्लाहत शुरू करेंगे तो शुगर माफिया भी इकट्ठा हो जाएगा और कब्जा माफिया भी इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि ये सब एफिलिएटेड थे एक करप्ट सिस्टम से। सो वो जो करप्ट सिस्टम है असल में तो हमारी जंग उसके खिलाफ है, पर्सनैलिटीज के खिलाफ नहीं है। तो मुझे तो कभी कोई शक नहीं था कि इन्होंने इकट्ठे होना है। तो ये जो सारा ड्रामा देखा आखिरी दिन, यानी हमारी गवर्नमेंट के आखिरी दिन। जी खान साहब की एंड से जो माइक है वो म्यूट पे है इस वक्त। लो इट्स नॉट म्यूट, इट्स जस्ट ट्रैफिक दैट इज। अच्छा अरफान बोलिए, आवाज आ रही है, आ रही है अब आपको आवाज? जी बिल्कुल आ रही है सर। तो जिब्रान टू समराइज कि जब भी आप चेंज लेके आते हैं, जो मेरी कोशिश थी, तो जो सारा स्टेटस को है जो एक करप्ट सिस्टम का बेनिफिशरी है उन सब ने इकट्ठा होना था। तो वो जो 3 अप्रैल को आपने ये देखा कि वो सब लोग इकट्ठे होके तो उन्होंने गवर्नमेंट कराई। ओके जिब्रान, नेक्स्ट क्वेश्चन या किसी और का क्वेश्चन ले रहे हैं आप? पहला क्वेश्चन एक साइमा का है लंदन से, मैं चाहूंगा माइक भी अगर वो रिक्वेस्ट करें तो प्लीज अच्छा होगा। लेकिन उनका क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, वो कहती हैं आई नो एवरीवन विल आस्क पॉलिटिकल क्वेश्चंस बट मेरा सवाल बिल्कुल जाती है कि खान साहब हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डीलिंग विद आपकी सारी इनजस्टिस हो रही है पर्सनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे आप कैसे देख रहे हैं, और आखिर में दुआएं हैं और वो भी सबके बिहाफ पे बोले कि सब पूरे पाकिस्तानी जितने भी हैं वर्ल्ड में आपके लिए बहुत दुआ कर रहे हैं। तो साइमा के लिए, साइमा के लिए जो मेरा जवाब वो ये कि देखिए साइमा, मेरी जो जिंदगी है ना वो 18 साल की उम्र से स्ट्रगल ही थी। जब आप कंपीट करते हैं स्पोर्ट्स में, टॉप 11 खिलाड़ियों में पहुंचते हैं, फिर कंपीट इंटरनेशनली करते हैं, तो वो सारा वक्त ऊंच नीचे आपकी जिंदगी में, या आप हार रहे होते हैं या जीत रहे होते हैं। तो वो जो स्पोर्ट्स की फील्ड में जो एक ऐसा मैंने सबक सीखा है स्ट्रगल करने का और हार और जीत के डायनामिक्स को समझने का, तो जब आप जीतते हैं तो आपके पैर जमीन पर रहते हैं क्योंकि आपको पता कि जीत सारा वक्त नहीं रहेगी, और जब आप हारते हैं तो आप उसके भी डायनामिक्स समझ जाते हैं कि वो हर जब आप हारते हैं तो बड़ी चीजें आपको सिखाती हैं। सबसे ज्यादा जो आप जिंदगी में सीखते हैं वो जब आप मुश्किल वक्त आपका आता है, क्योंकि सोल सर्चिंग करते हैं। तो मैं तो इसके लिए सारी जिंदगी मेरी ट्रेनिंग है इसके लिए,
मैं तो इमीडिएटली आगे का सोचना शुरू हो जाता हूँ कि ये जो अब इस एक बड़ी जबरदस्त पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी दे दी है वो ज्यादा जरूरत है, वो अपॉर्चुनिटी जो है वो ज्यादा इस मुल्क के लिए फायदा पहुंचा सकती है मेरे प्राइम मिनिस्टरशिप से। और वो ये है कि एक कौम बन जाए हम जो कि अपनी एक हकीकी आजादी की जंग लड़े। तो इस वक्त जो ये मूवमेंट बन गई है ये एक हकीकी आजादी है। हकीकी आजादी का मतलब ये कि कौम अपने पैर पे खड़ा हो, अपने फैसले करे, फॉरेन पॉलिसी हो अपने मुल्क के लोगों के मफादात के लिए, सबसे दोस्ती हो, लेकिन अपने मुल्क के लोगों के मफादात किसी और कौम के लिए हम कुर्बान ना करें। जी जिब्रान जी, अच्छा दूसरा सवाल है इमरान राजा की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि मैंने काउंट किया है 1400 से बढ़कर लोगों का ये सवाल था जब हमने ये क्वेश्चन की रिक्वेस्ट मांगी थी। तो वो ये कह रहे हैं कि जब सारे के सारे इदारे खिलाफ हैं तो हम कैसे नंबर वन इलेक्शंस में जाएंगे और दूसरा फिर इलेक्शंस की धांधली को कैसे रोकेंगे? देखिए जिब्रान, एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो इदारे हैं ना, इदारों के अंदर भी इंसान ही है, और इंसान एक आध इंसान अगर गलती कर भी देता है तो ये सारे इदारे का कसूर नहीं होता। और इसी तरह ये जो आप इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त जो इलेक्शन कमिश्नर है वो बहुत ही एंटी पीटीआई है। उसकी जो सारी अभी तक जजमेंट्स है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही है। मसलन अब ये फॉरन फंडिंग केस है, एक्चुअली फॉरन फंडिंग है ही नहीं है, ये पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हुए उन्होंने फंड किया हुआ है। तो इस तरह तो पाकिस्तान ही फॉरेन फंडिंग पे चल रहा है, हमारे 31 अरब डॉलर पाकिस्तान रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, हमारे शौकत खानम में जो पैसा आता है 40% तो बाहर से पाकिस्तानी भेजते हैं। तो ये तो हमारे सबसे मोहब्बे वतन पाकिस्तानी जो बेचारे बाहर बैठे हुए हैं वो कमा के पैसा पाकिस्तान भेजते हैं। लेकिन ये असल केस है फंडिंग का, और मैं आज आप सबके सामने ये चैलेंज करता हूं कि जिस वक्त भी ये तीनों पार्टीज के, बल्कि सारी पार्टीज भी मिला लें, लेकिन तीन मेन पार्टीज पीटीआई, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, जब भी हमारे फंडिंग की इकट्ठे तहकीकात होगी तो एक ही पार्टी है जिसकी प्रॉपर पॉलिटिकल फंड रेजिंग है, वो है तहरीक इंसाफ, जिसका प्रॉपर डेटा है। इन दोनों पार्टीज के पास आपको मिलेगा ही कुछ नहीं, क्योंकि इनके पास कोई, इनको अब हमने कॉल दी कि हमें पैसे चाहिए आपने, अब हम तहरीक चला रहे हैं तो इसके लिए पैसे चाहिए, तो दो दिनों के अंदर 20 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया। अब ये जरा कॉल दें और देखें कि ये इनके, इनको कौन पैसा देता है। इनकी क्रोनी कैपिटलिज्म, ये वो लोग जो इनके जिनको नवाजते हैं, जिनको कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं, जिनके मिल के साथ पैसे बनाते हैं, वो ये उनसे पैसे लेते हैं, इनको कोई फंड रेजिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सिर्फ अब ये इलेक्शन कमीशन को देखें कि हम बार बार कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हाँ हमारा केस रखो सामने, लेकिन इन सबका भी जरा मुवाजना तो करो, क्योंकि अभी तक उनके केसेस घर नहीं रहे और एक ही पार्टी को कटेरे में खड़ा किया हुआ। जी जिब्रान, आप किसी एक को किसी स्पीकर पे ले आए, तब तक एक क्वेश्चन है चेयरमैन साहब कि कराची के जलसे में आपने एक बात की थी कि 26 साल की सियासत के बाद आप पहली बार कौम बनते देख रहे हैं, तो इससे पहले भी बहुत सी तहरीक चलाई है पीटीआई ने, सो क्या वो डिफरेंस है जो आप देख रहे हैं इस दफा और बाकी इससे पिछले? देखिए जो जो 26 साल में मैंने पॉलिटिक्स की और ख़ास तौर पे जो 22 साल की, तो वो तो एक पार्टी अपना मैनिफेस्टो रखती है आवाम के सामने और फिर वो पावर में आती है, तो वो तो बड़ा सिंपल किस्म का एक आप जिस तरह कोई पॉलिटिकल पार्टी करती है। लेकिन जो अब है ये सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ है, ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में एक सारी कौम के अंदर एक फीलिंग गई कि एक बाहर से साजिश हुई और उस साजिश ने पाकिस्तान में रिजीम चेंज किया, और अंदर जो बैठे हुए थे, और बाहर की साजिश कभी कामयाब नहीं होती जब तक कि अंदर आपके गद्दार ना बैठे हो, मीर जाफर ना बैठे हो, जो अपनी जाती मफादात के लिए मुल्क के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जो कौमों को गुलाम बनाते हैं, जो मैं इसलिए मीर जाफर की इसलिए मिसाल देता हूँ कि उसने अंग्रेजों के साथ मिलकर अपनी कौम को गुलाम बना दिया। तो ये साजिश तब कामयाब होती है जब अंदर आपके गद्दार बैठे हों। तो ये जो हुआ है और फिर वो लोगों को मुल्क के ऊपर मुसलत कर दिया है जो मुल्क के करप्ट तरीन लोग हैं, आधे जमानत के ऊपर है, इनके ऊपर केसेस हैं और केसेस अरबों रुपए के केसेस हैं, और 30 साल से पावर में थे जिसकी वजह से आज मुल्क मकरूज है। इन्होंने मुल्क को यहां तक पहुंचाया
और अब ये आके कह रहे हैं कि जनाब हम फिर से वापस आ रहे हैं और तहरीक इंसाफ को कह रहे हैं कि जी बड़े बुरे हालात थे। तहरीक इंसाफ ने तो जब मुल्क छोड़ा था रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस, रिकॉर्ड रेवेन्यू और टैक्स कलेक्शन, 5 फसलों की रिकॉर्ड हार्वेस्ट, आईटी की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स, और सबसे बड़ी बात यह कि इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होगी पाकिस्तान में, इंडस्ट्रियल ग्रोथ शुरू होगी 8.6% जिसमें, और रोजगार का यह है कि सारे बरसगीर में सबसे कम बेरोजगारी पाकिस्तान में, ये फैक्ट्स मैं आपको दे रहा हूं। तो उस गवर्नमेंट को गिराना एक साजिश के तहत और वो लोगों को ऊपर मुसलत कर देना जो इस मुल्क के 30 साल से करप्शन के केसेस, करप्ट तरीन लोग, इसके इसलिए कौम आज मोबिलाइज है, इसलिए आज कौम एक नई तहरीक में निकल पड़ी है और वो है हकीकी आजादी के लिए, और इसलिए मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल मुख्तलिफ है और ये जो पब्लिक आप रिस्पॉन्स देख रहे हैं ये बिल्कुल मेरी 26 साल की सियासत में मैंने कभी इस तरह की एक नेशनल मूवमेंट नहीं देखी। जी जिब्रान क्वेश्चन। जी देखिये इस्लामोफोबिया का मुझे बाकियों से इसलिए ज्यादा समझ है क्योंकि मेरा बड़ा इंटरेक्शन ओवरसीज पाकिस्तानी से, और मैं क्योंकि बड़ा मेरा टाइम भी गुजरा बरतानिया के अंदर, लंदन में प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था, तो मैं उन सोसाइटीज़ को जानता बड़ी अच्छी तरह हूँ, और ये मुझे पता था कि जो हमारे मुसलमान रहते हैं मगरबी सोसाइटीज़ में, 9/11 के बाद एक बहुत बड़ा वेव शुरू हुआ इस्लामोफोबिया का, और मैंने उस वक्त मैंने फैसला किया कि मुझे कभी भी अल्लाह ने मौका दिया तो मैं इंटरनेशनल फोरम्स यूनाइटेड नेशंस में, OIC में, यूरोपियन यूनियन के सामने इस इशू को उठाऊंगा क्योंकि वहाँ मुसलमानों को बड़ी मुश्किलात का सामना पड़ता करना पड़ता है ये इस्लामोफोबिया की वजह से, और ये दूसरा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब ये गुस्ताखी करते हैं तो ये इनको पता नहीं है कि मुसलमानों को कितनी तकलीफ है, और वो कोई मुसलमान हेड्स ऑफ स्टेट्स ये बताते नहीं थे इनको, तो इसलिए मैंने OIC में भी उठाया, फिर ये UN में भी उठाया, और अल्लाह का शुक्र है कि ये जो UN ने 15th of March को डिक्लेयर किया एंटी इस्लामोफोबिया डे, बट इसमें एक स्ट्रगल की ज़रूरत है, और जो बाहर पाकिस्तानी बैठे हैं जो ब्रिटिश पाकिस्तानी भी हैं, पहले तो मैं इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिस तरह जिस तादाद में ये सब निकले मेरी सपोर्ट में, मेरी सपोर्ट क्या, ये जो पाकिस्तान में एक रजीम चेंज किया गया उसके ऊपर जिस तरह उन्होंने प्रोटेस्ट किया और क्रिमिनल्स को ऊपर बैठाया गया हमारे ऊपर, तो मैं उन सब का आज बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। सर एक क्वेश्चन है बार बार आ रहा है, वो क्वेश्चन ये है कि अगर नवाज शरीफ ऐलान करते हैं, क्योंकि अब उनके भाई की गवर्नमेंट है, अगर वो पाकिस्तान आने का ऐलान करते हैं तो हम PTI का क्या लाहे अमल होगा, और आप समझते हैं कि अगर गिवन द सर्कमस्टांसेस अगर दोबारा मौका मिलता है या इस तरह से नवाज शरीफ को जाने देना चाहिए था। देखिए सबसे पहले एक और क्वेश्चन था कि आगे की क्या तैयारी है, मैं ये आपको बता दूं कि बड़ा मुश्किल हमने अपने 3.5 साल गुजारे हैं क्योंकि एक माइनॉरिटी, एक गवर्नमेंट जो कोलिशन गवर्नमेंट थी जिसके पास बड़ी थिन मेजॉरिटी थी और कोलिशन पार्टनर्स थे, उस सारा वक्त हमें ब्लैकमेल का सामना करना पड़ता था और बहुत ही मुश्किल था कानून पास करना क्योंकि सेनेट से कानून पास होना होता था, वहाँ हमारी मेजॉरिटी नहीं थी, तो एक सारा वक्त एक बड़ी कॉम्प्रोमाइज करके और मुश्किल वक्त से ये गवर्नमेंट चली है, तो ये जो अगली बारी होगी मैं इंशाल्लाह पहले तो अपनी आवाम को इस चीज़ पे तैयार करूंगा कि अगर आपने लेके आना है अगली बारी तो एक मेजॉरिटी से लेके आए, क्लियर मेजॉरिटी, ताकि हम ब्लैकमेल ना, ताकि हम एक ताकतवर गवर्नमेंट हो, ताकि वो हम कानून और रिफॉर्म्स ला सकें जो हमें हमारे लिए बड़ा मुश्किल था इस बारे, और हमने बड़े सबक सीखे हैं इससे, बड़ी टीम का भी पता चल गया और
और इंशाल्लाह जो हमने टिकट्स दिए हमें रियलाइज किया कि हमने गलत टिकट्स दिए थे लास्ट टाइम, तो इस बार हम खुद, हमारे पास टाइम भी होगा अभी सही, हम टिकट्स जो हमने आप देने अपने लोगों को बड़ा सोच समझ के टिकट्स देंगे, क्योंकि हमें ये जो ब्लैकमेल किया गया और फिर जिस तरह इन्होंने गद्दारी की हमारे साथ। आपने जो अभी जो आपका क्वेश्चन था कि अगर नवाज शरीफ, देखें अगर नवाज शरीफ को वापस आता है और वो अगर इस बारी उसको NRO 2 मिल जाता है, क्योंकि याद रखें इसको NRO 1 मिल चुका था, जनरल मुशर्रफ ने हुदैबा पेपर मिल के अंदर ओपन एंड शट केस था जिधर इसहाक डार ने बाकायदा एक मजिस्ट्रेट के सामने उसने खुद बताया था कि किधर किधर इन्होंने कैसे चोरी की, इनके पैसे बाहर कैसे गए, ओपन एंड शट केस था, वो मुशर्रफ ने इनको NRO 1 दिया और फिर वो वापस आए और फिर इन दोनों ने और अजरदारी को भी NRO 1 मिला और इन्होंने खुल के फिर करप्शन की 10 साल। अब जो इनके केसेस हैं ये आप सबको समझना है कि सवाए TT के केस शहबाज शरीफ के और FI के केस, ये सारे इनके केस पुराने हैं, यानी इनके दौर के 10 साल के बने हुए हैं। तो अगर अब आके इनको NRO 2 मिलता है, ये याद रखें कि पाकिस्तान का जो सारा इंसाफ का सिस्टम है इस सब को टोटली डिस्क्रेडिट कर देंगे, कोई भी पाकिस्तानी मानेगा नहीं पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम में, क्योंकि इसका मतलब यह है कि ताकतवर है तो आप जो मर्जी करो, सिर्फ छोटे चोर जेल में डालेंगे, और ये इतना डेंजरस है मुल्क के लिए। मैं आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उन्होंने आज से तकरीबन 1500 साल पहले कहा था कि जो कौमें ताकतवर मुजरमों को पकड़ नहीं सकती, ताकतवर डाकुओं को नहीं पकड़ सकती और सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ती है, वो तबाह हो जाती है। तो आज अगर तीसरी दुनिया या जिसको डेवलपिंग वर्ल्ड कहते हैं, अगर आप एक एक मुल्क को देख लें कि वो जो गरीब मुल्क है जिधर गुर्बत है, हर जगह पे यही उनका मसला होगा कि वो सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ते हैं और ताकतवर को नहीं पकड़ते। और पाकिस्तान, और इसे रूल ऑफ लॉ कहते हैं, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि सब कानून के में एक बराबर, और जो खुशहाल माशरे हैं, मसलन स्विट्जरलैंड है, ये स्कैंडिनेविया, आप वहां रूल ऑफ लॉ देखें, वह कोई तस्वर नहीं कर सकता कोई कब्जा ग्रुप होगा, कोई तस्वर नहीं कर सकता हॉर्स ट्रेडिंग होगी, कोई तो तस्वर नहीं कर सकता कि प्राइम मिनिस्टर अपनी फैक्ट्रियां बनानी शुरू हो जाएगा और ओवरसीज, ये तस्वर ही नहीं कोई कर सकता कि 3 दफा प्राइम मिनिस्टर, उसकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज लंदन में है, उसके बच्चे लंदन में है, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में रह रहे हैं और एक दफा नहीं बता सकते कि पैसा आया किधर से। तो ये जो हमारे मुल्क का जो अलमिया है इस वक्त, वो है ही सारा रूल ऑफ लॉ का। जब तक हम ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये मुल्क की कोई फ्यूचर नहीं है, हमारी फ्यूचर ही इस पे है कि हम ये जो बड़े बड़े माफियाज हैं, जो मेरे ऊपर सारा प्रेशर था जिसकी वजह से मेरे अगेंस्ट इकट्ठे थे, हम इनको कानून के नीचे लेके आए। और ये अगर नवाज शरीफ यहां आके फिर से NRO 2 लेता है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये मुल्क की डिस्ट्रक्शन है। और इसलिए सारी कौम, मैं अपनी कौम को सारों को निकालूंगा इसके ऊपर, क्योंकि हम बिल्कुल ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जी जिब्रान, क्वेश्चन देखिए, हम पहली दफा, यानी हमें जो पहली दफा इलेक्शन लड़ने की साइंस पूरी समझ के इलेक्शन लड़ेंगे, और दूसरा एक गवर्नमेंट का भी समझ गए हैं कि अब हमें गवर्नमेंट में आके क्या तैयारियां करनी है, क्योंकि पहले तो हमें आइडिया ही नहीं था गवर्नमेंट का कि क्या, बिल्कुल नई चीज थी हमारे लिए, और फिर हमें आइडिया ही नहीं था कि किस तरह के हर इदारे में किस तरह के क्राइसिस हैं, ये हमें पता नहीं था। पहली दफा प्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में आके मिली, अब तो हम जानते हैं सब कुछ, तो अब तो दोनों तरह तैयारी करके आएंगे। और इंशाल्लाह ये जो यूथ बल्ज है पाकिस्तान का और जो नौजवान है, जो सबसे ज्यादा इस वक्त इस हकीकी आज़ादी की तहरीक में पूरी तरह शामिल है,
इंशाल्लाह इस बारी हम इनको पूरी तरह ट्रेन करके इलेक्शन लड़ेंगे। सर एक क्वेश्चन है कि बहुत से ऐसे साथी जो बहुत अरसे से तहरीक के साथ थे, आपके क्लोज थे, वो इस सारी मूवमेंट के दौरान उनका एक दूसरा रूप भी देखने को मिला। तो सर क्वेश्चन ये है कि पॉलिटिक्स असाइड, आपको पर्सनल कोई इससे दर्द कोई महसूस होती है इस चीज़ से? देखिए पहले तो आपको एक बात बता दूंगे, देखिए आपकी जो दोस्तियां या जो आपकी सब कुछ पार्टी में भी जब आपके जो असल जो लोग आपकी जो स्टालवर्ट्स बनते हैं वो सब एक नज़रिए के ऊपर खड़े होते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में मुख्तलिफ ट्राइब्स थी उन सबको इकट्ठा किया एक नज़रिए के ऊपर और फिर कौम बनाई। कौम बनती है नज़रिए पर। उसी तरह पॉलिटिकल पार्टी का जो असल जो उनका होता है ना कोर जो होती है वो हमेशा नज़रियाती होती है। प्रॉब्लम ये हमें हुआ कि कई लोग जो हमारे साथ चले वो ये समझ रहे थे कि जब हम पावर में आएंगे, वो इसलिए पार्टी में थे कि जब पावर में आएंगे तो वो अपनी जो बिजनेसेस हैं उनको फ़ायदा पहुँचाएंगे और जो अपने इलीगल काम है उनको लीगल करवा लेंगे। वो समझ रहे थे कि क्योंकि पाकिस्तान में यही होता है, आप जब पावर में आते हैं तो आप अपने सारी आपको आप टैक्स भी आपको माफ हो जाता है, आप गलत काम भी करें तो वो बच जाते हैं। तो इसलिए जो हमें मसले आए वो कि जब हमने रोकने की कोशिश की तो वहाँ प्रॉब्लम आ गया। अगर ज़मीन इलीगल थी खरीदी गई किसी हाउसिंग स्कीम के लिए या अगर शुगर की कीमत 26 रुपए एकदम बढ़ जाती है तो हमने तो उसके ऊपर अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि अपना ना अपना सोचा ना दूसरा को प्रायः सोचा, हमने तो एक रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। तो इसमें लोगों ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया। जी जिब्रान जी अरिबा आप नेक्स्ट। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब, पहले तो आई एम ओवरवेल्म के आई हैव बीन गिवन दिस अपॉर्चुनिटी एंड टू टॉक टू यू। अच्छा मेरा सवाल जो था वो यूथ से रिलेटेड था, बिकॉज अभी आप देख रहे हैं कि काफी हम लोग डिसहार्टन भी हो गए हैं, हमें बॉट्स का नाम दिया जा रहा है, हमें जिन्नात का नाम दिया जा रहा है, पता नहीं क्या क्या। तो मुझे ये पूछना था कि आगे जाके आई मीन व्हाट इज योर प्लान ऑफ एक्शन एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ अस, कि हम यूथ क्या कर सकती है अपने अपने ज्यूरिसडिक्शंस में रह के, कि आपको किस तरह से सपोर्ट करें और आगे जाके हम और क्या कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए अरिबा जो यूथ है ना, यूथ को एक चीज समझनी है कि एक मौलाना रूमी की सेइंग है कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए तो क्यों चूटियों की तरह रेंगते हो। यूथ को एक चीज समझनी है कि अल्लाह ने जब इस इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया तो उसने फरिश्तों को भी कहा कि इसके सामने झुको, और जब शैतान ने झुका तो अल्लाह ने कहा कि तुम्हें भी नहीं पता कि इसमें कितनी सलाहियत है। यानी मैं ये समझता हूँ कि इंसान अपनी ज़िंदगी गुजार भी जाता है और उसे पता ही नहीं होता कि अल्लाह ने उसके अंदर कितनी पोटेंशियल और सलाहियत रखी है। तो इंसान के ऊपर है, पाकिस्तान के अब यूथ के ऊपर है कि क्या वो एक ऐसे इंसान के नीचे और इस तरह के लोगों के नीचे एक पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारना चाहता है जो कहता है कि बेगर्स आर नॉट चूज़र्स। यानी कि क्योंकि अगर हम मकरूज़ हैं तो इसका मतलब हमें गुलामी करनी पड़ेगी। अगर तो ये करना है तो वो फिर चूंटियों की तरह ही हम रहेंगे, इसी तरह ही कर्जे लेके और बाहर से हमें हुक्म आएंगे और धमकियां मिलेंगी। अब सोचिए ये कितनी बड़ी एक 22 करोड़ लोगों के लिए शर्मनाक बात है, 22 करोड़ लोगों के लिए कि अगर बाहर से कोई भी ताकत आपको हुक्म देती है और धमकी देती है कि अपने प्राइम मिनिस्टर को अगर नहीं हटाओगे तो तुम्हारे लिए बड़े बुरा वक्त आएगा, उन्हें हटा दोगे तो हम माफ कर देंगे। ये 22 करोड़ लोगों के लिए एक उनकी तौहीन है। और ये यूथ के लिए ख़ास तौर पे कि अगर यूथ ये चीज़ें एक्सेप्ट कर जाएगी तो आगे फिर वो उनकी सारी उम्मीदें ये रह जाएंगी कि किसी तरह हमें कोई अमीर मुल्क का वीज़ा मिल जाए और हम वहाँ जाके अपनी ज़िंदगी गुजारें। ये पाकिस्तान में अल्लाह ने सब कुछ दिया, लेकिन कोई भी मुल्क जिसकी सरबरा हो मुल्क के बड़े बड़े डाकू और चोर और जिनके ऊपर अरबों रुपए के, शहबाज शरीफ और इसके बेटों के ऊपर 40 अरब रुपए के करप्शन के केसेस हैं एफआईए में और नैब में 40 अरब रुपए के, तो अगर किसी मुल्क में भी इस तरह के लोग ऊपर आ जाते हैं तो मुल्क का तो कोई फ्यूचर नहीं है। तो इसलिए
यूथ को सबसे ज्यादा अपनी इस हकीकी आजादी की जंग में शिरकत करनी है, और इंशाल्लाह हम वो मीनार पाकिस्तान में कल इसका पूरी तरह आगाज करेंगे इस तहरीक का। सर एक क्वेश्चन है कि हम मीम्स बना बना थक गए हैं, क्या आप तक वो मीम्स पहुंचती भी हैं? बड़ी मैं सोशल मीडिया तो ऐसा हो गया है कि हम अब टीवी नहीं देखते, हम तो सारा वक्त सोशल मीडिया पे, इतनी ज़बरदस्त चीज़ें आ रही होती हैं कि सारा वक्त हम सोशल मीडिया पे, बल्कि मैंने तो अखबार भी नहीं आजकल पढ़ने का मुझे मौका मिलता सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह की चीज़ें। जी जिब्रान, जिब्रान आपकी तो ये आवाज कट रही है। करीब बहुत ही 8 करोड़ ट्वीट्स, तो ये अच्छा मैं पूछूं कि ये हम बॉट्स कह रहे हैं, बॉट्स तो उसका उसका आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की देखी थी, काफी लोग पूछ रहे हैं कि आपको ये ह्यूमरस लगती है चीजें कि ये हंसी आती है ऐसी चीजों पे जब पीएमएल प्रेस कॉन्फ्रेंस एक हैशटैग पर कर देती है। पीएमएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना वो एक कॉमेडी शो होती है, उसको कोई सीरियसली ले नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह पहले ये कहते रहे कि जनाब देखें एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, अब खुद जिस तरह अब आए हैं, जिस तरह बाहर से साजिश के तहत और इतनी बेशर्मी से जो बाहर की साजिश हुई है, आप सोचें कि वो जो मुरासला था, ये वो जो साइबर था, हम बार बार इनको शहबाज शरीफ को और ये जरदारी को कहते रहे कि आके देखें, क्योंकि ज्यादातर ये लोगों को नहीं पता, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों को नहीं पता कि एक्चुअली अमेरिका ने ब्लैक एंड व्हाइट में उन्होंने धमकी दी कि अपने प्राइम मिनिस्टर को हटाओ, तो हम वो इनको हेड्स को कहा कि आप आके देखें, तो इन्होंने नहीं देखा जान के, क्योंकि इनको पता था, लेकिन ज्यादातर इनके लोगों को नहीं आइडिया कि ये रिजीम चेंज बाहर से हुई है, ये बैरूनी साजिश थी। तो अब एक तो ये साजिश का हिस्सा बन गए, फिर ये आके अब हमें ये कह रहे थे कि जनाब ये तो लोग बाहर निकलेंगे तो अंडे मारेंगे, और इन लोगों को पता नहीं कितनी अनपॉपुलर हो गई, वो मरियम कहती थी कि ये जब पता नहीं इनको कि बाहर लोग ये निकल नहीं सकेंगे, तो अब अगर ये हम इतने बुरे थे तो इनको इलेक्शन लड़ने से क्या डर लग रहा है, इतनी कोशिश करें किसी तरह के इलेक्शन ना हो, तो अगर ये डेमोक्रेटिक लोग हैं जो ये सारा वक्त कहते रहे कि हम तो डेमोक्रेटिक नहीं थे, ये थे, आज ये क्यों छुप रहे हैं ये इस साजिश के पीछे अपनी गवर्नमेंट और ये जो इन्होंने जिस तरह के लोगों को इकट्ठा किया हुआ है मुजरिमों की हुकूमत, और ये दोनों याद रखें कि ये वही शहबाज शरीफ था जो कहता था जरदारी का पेट फाड़ के पैसा निकालूंगा, और जरदारी कहता था कि शहबाज शरीफों से करप्ट लोग कोई नहीं है, ये दोनों एक मत, अब ये सारे इकट्ठे कैबिनेट में बैठ गए, तो इनके लिए बड़ा मुश्किल है, इसलिए ये इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, कभी कोई इल्जाम लगा देते हैं, कोई कुछ कर देते हैं। सर एक क्वेश्चन है जिब्रान, एक क्वेश्चन है और वो बार बार पिंग कर रहे हैं कि मेरा लाजमी करें, सर यू कैन चूज टू इग्नोर इट। क्वेश्चन ये है कि 36 में से 24 वजीर जो हैं वो बेल पे रिहा हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये इस वजह से है क्योंकि अदालतें 24 घंटे काम कर रही हैं? देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, मैं अपनी सारी कौम के सामने कहना चाहता हूँ, देखिए एक तो जो फौज का इदारा है कभी इसके खिलाफ बात ना करें, क्योंकि फौज एक ऐसी चीज है जो अगर हमारी फौज ना होती तो ये मुल्क में नहीं रहना था। इमरान खान से ज्यादा इस मुल्क को जरूरत पाकिस्तानी फौज की, और हमें हमेशा इस इदारे को मजबूत, इसकी मजबूती के लिए हमें बात करनी चाहिए, और हमारे जो दुश्मन है वो मुसलसल इसको अटैक करते हैं, बल्कि ये दोनों जो प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, वो जरदारी और नवाज शरीफ, इन दोनों ने अपनी फौज को अंडरमाइन करने की कोशिश की है। ये जब गवर्नमेंट में भी थे इन्होंने अंडरमाइन किया उसको, इन्होंने गवर्नमेंट में रहते हुए वो डॉन लीग्स क्या थी, डॉन लीग्स वो हिंदुस्तान के साथ कह रहे थे कि जी हमारी फौज की वजह से हम दोस्ती नहीं हो रही, और जो मेमो गेट था वो क्या था, वो अमरीकनों को कह रहा था जरदारी अपने हुसैन कहानी के जरिए कि उसको जरदारी को अपनी फौज से बचाए, ये वो लोग हैं। और ये बाहर जब नवाज शरीफ निकाला गया तो उसने सारा पूरा आर्मी चीफ और उनके ऊपर अटैक कर दिया। देखें हमें ये बड़ा समझना चाहिए कि हमारे दुश्मन चाहेंगे कि हमारी फौज कमजोर हो जाए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर हमारी फौज ना होती ये मुल्क के 3 टुकड़े हुए होते। जो
जो दूसरी है हमारी अदलिया, मैं अदलिया की आजाद अदलिया के लिए जेल में गया था, एक ही दफा जिंदगी में जेल देखा उसके लिए मैंने देखा था। ये मुल्क जो मैं रूल ऑफ लॉ की बात करता हूं, जब तक इस मुल्क में हमारा अदालती निज़ाम मजबूत नहीं होता और ये ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लेके आता, तो ये हमारा मुल्क का जो पोटेंशियल, बहुत पोटेंशियल है, ये मैंने जितना अंदर हुकूमत में आके देखा, हम कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी रुकावट ये है रूल ऑफ लॉ। ताकतवर को हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो कानून के नीचे नहीं ला सकता, और ये हमारा ही मसला नहीं है, ये सारी डेवलपिंग वर्ल्ड का ये मसला है। जितने भी गरीब मुल्क, जितने गुर्बत है, वहां मसला ही एक है कि उधर भी नवाज शरीफ बैठे हुए और जरदारी बैठे हुए हैं, उनके केसेस ही नहीं होते, वो 30 साल से करप्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारा इंसाफ का निजाम उनको जेलों में नहीं डाल सकता और उनको कन्विक्ट नहीं कर सकता, और ये क्योंकि उनको नहीं कर सकता, उनके नीचे भी लोग जो हैं वो सब। और फिर जो सबसे बड़ा अगला नुकसान क्या है, अगला नुकसान ये है कि जो छोटा चोर चोरी करता है वो क्या करेगा, वो बैल चुरा लेगा, वो मोटरसाइकिल चुरा लेगा, वो लोगों को मुश्किल होती है, मुल्क को नुकसान नहीं करता। जब ये बड़े डाकू चोरी करते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा पैसा ये चोरी करते हैं, वो बिस्तर के नीचे तो नहीं रख सकते, वो बैंक में डालेंगे तो सबको पूछेंगे कि किधर से आया पैसा, लिहाजा ये मुल्क से बाहर पैसा भेजते हैं, और ये दुगना नुकसान करते हैं, एक ज्यादा पैसा चोरी ये करते हैं, दूसरे जब ये मुल्क से बाहर भेजते हैं तो उससे बड़ा नुकसान करते हैं, क्योंकि फिर रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है। जब आप डॉलर्स खरीद के बाहर भेजेंगे तो डॉलर के ऊपर जब डॉलर कम होगा तो रुपए की कीमत गिरनी शुरू हो जाएगी, जब रुपया गिरता है महंगाई बढ़ जाती है, माशरे में गुर्बत आती है। इसलिए रूल ऑफ लॉ के बगैर एक माशरा खुशहाल नहीं हो सकता। देखिए डॉक्टर नाज, जो सिंध है और ख़ास तौर पे इंटीरियर सिंध में वो हालात हैं जो कि एक वक्त कराची में एमक्यूएम की जब खौफ था लोगों का, वो अब इंटीरियर सिंध में है। ये जो जरदारी माफिया है वहाँ, ये इतने लोग डरते हैं इनसे, पुलिस को ये इस्तेमाल करते हैं, झूठे केसेस ये बनाते हैं, लोगों को इन्होंने बिल्कुल ग़ुलाम बनाया हुआ है, लोग इनसे इतना खौफजदा हैं कि कोई इनके सामने खड़ा नहीं होता, और ये फिर हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करते हैं, और इसलिए ये इन्होंने इसके बावजूद कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में करप्शन है, सिंध में सबसे ज़्यादा वहाँ अंडर डेवलपमेंट है, गुर्बत ज़्यादा इंटीरियर सिंध में है, लेकिन वो लोग इनसे इतना खौफजदा हैं कि कोई खड़ा नहीं होता। तो मैं इंशाल्लाह इस बारी जब इलेक्शन है, मैंने पूरा इरादा किया हुआ है कि इंटीरियर सिंध की मैं कैंपेन करूँगा, और मैं उनके जितनी ज़्यादा आज़ादी या हकीकी आज़ादी की इंटीरियर सिंध में ज़रूरत है, शायद बाकी पाकिस्तान में नहीं, तो इंशाल्लाह मैं पूरी कैंपेन करूँगा इस बारे आगे। सर एक क्वेश्चन ये है, जिब्रान आप अगला स्पीकर लें, मैं तब तक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अभी जो एक कोएलिशन बना है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का, इसमें एक बहुत ज़्यादा डायनेस्टिक रूप आया है, डायनेस्टिक पार्टीज हैं और उस पर बहुत ज़्यादा अवाम का रिएक्शन आया है। सो द क्वेश्चन इज कि इन पार्टीज के अंदर जो कि इतनी बड़ी पार्टीज हैं, इनमें से इस चीज़ के खिलाफ रिएक्शन क्यों नहीं आता कि क्या वजह है कि शरीफ जो है वो पीएम बनेगा तो दूसरा शरीफ जो है वो सीएम बनेगा, चाहे केसेस हों चाहे कुछ हो। तो इन क्वेश्चन इज कि इन पार्टीज, आपका क्या ख्याल है इन पार्टीज से क्यों नहीं रिएक्शन आता? देखिए सबसे पहले तो ये दोनों पार्टीज बड़ी पार्टीज नहीं अब रह गई, ये बड़ी पार्टीज थी, पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी पाकिस्तान में, वो एक नेशनल पार्टी थी,
ये अब सिर्फ इंटीरियर सिंध की पार्टी रह गई, और जो नून लीग थी वो भी एक वक्त पे उसने सारा जो जो राइटिस्ट वोट था वो खींच के वो इसने एक दफा दो तिहाई अक्सरियत ली थी, वो भी अब सेंट्रल पंजाब की पार्टी रह गई। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये फैमिली पार्टीज हैं, और एक तो पब्लिक के अंदर वो लोग सोचते हैं कि स्वाय इनके खानदान के इनको और कोई नजर ही नहीं आता। ये बिल्कुल मेरिटोक्रेसी के खिलाफ है। देखिए डेमोक्रेसी क्यों छोड़ गई थी बादशाह को पीछे, क्योंकि डेमोक्रेसी में दो चीजें थी जो बादशाह में नहीं थी, एक रूल ऑफ लॉ कि सब कानून के नीचे हैं, और दूसरी मेरिटोक्रेसी कि जो भी ऊपर परफॉर्म करता है वो ऊपर आ सकता है। ये बिल्कुल ही निगेशन है डेमोक्रेसी, ना इनके अंदर कोई रूल ऑफ लॉ है, ये सारे इनके ऊपर करप्शन के केसेस है 30 साल से और ये ऊपर बैठे हुए हैं, और दूसरा कोई मेरिट नहीं है। अब वो इनके जो बच्चे हैं मसन मरियम है या वो है हमजा है या वो जो बलावल है, इन्होंने जिंदगी में कोई काम ही नहीं किया, इनके कोई क्रेडेंशियल्स ही नहीं है वहां बैठने के। और ये वो लोग हैं जो प्रिविलेज्ड हैं, ये बादशाहों की तरह शहजादों की तरह रहे हुए, इनको आम आदमी का भी समझ नहीं है, इनकी कोई ट्रेनिंग भी नहीं है। बादशाह भी था तो उनके प्रिंसेस की बड़ी ट्रेनिंग होती थी, इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन प्रिविलेज लोग हैं। और सबसे इनकी जो पार्टीज जो क्यों सुकड़ के छोटी सी पार्टीज रह गई है, क्योंकि इनके नीचे लोग जो हैं वो दरबारी बन गए इनके, वो इनको क्वेश्चन ही नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह बादशाह के कोर्ट में दरबारी होती है दरबारी बन चुके हैं। इनके अंदर कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है इनके जो दरबारी हैं, कि ये इनमें से बड़े काबिल लोग हैं, लेकिन वो इनके पीछे मरियम के पीछे हाथ बांध के खड़े होते हैं या बिलावल के पीछे। तो इसलिए ये जो इनकी पार्टीज हैं ये बढ़ नहीं रही है, कम हो गई है। तहरीक इंसाफ क्यों एक अब वाहिद पाकिस्तान की फेडरल पार्टी रह गई है, क्योंकि तहरीक इंसाफ में कोई फैमिली नहीं है, इमरान खान के रिश्तेदार नहीं है, या मेरिटोक्रेसी है, मुराद सईद जैसा आदमी ऊपर आ सकता है, अली मोहम्मद आ सकता है, जो भी हमारी जो परफॉर्म करता है ऊपर आ सकता है, इसलिए ये मुकाबला नहीं कर सकते हमारा। जी जिब्रान, एक क्वेश्चन काफी लोगों ने पूछा है कि देखिए 99% या 95% मीडिया आपके खिलाफ है खान साहब, और जो रह गए ये जो 5% है इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कि लोगों को बड़ा गुस्सा है मीडिया में भी आगे, तो इनके बारे में क्या कहेंगे जो हक की बात करते हैं, जो फेयर बात करते हैं और जी जिब्रान देखें, हमारे 3.5 साल में हम सुनते रहे कि जी मीडिया के ऊपर बड़ी सख्ती कर रहे हैं और हम पता नहीं मीडिया के ऊपर क्या जुल्म कर रहे हैं। आज आप उठा के देखें कि सबसे फ्री मीडिया हमारे दौर में था, कभी हमने कभी गवर्नमेंट की इतनी ज्यादा खुली क्रिटिसिज्म नहीं हुई और नाजायज क्रिटिसिज्म हुई, और उसके अंदर प्रोपेगेंडा हुआ गवर्नमेंट के अगेंस्ट, फेक न्यूज निकाले गए गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और कभी इस तरह फ्री रन मीडिया को नहीं मिली जो हमारे दौर में मिली। और बार बार हमें ये अटैक किया जाता था सो कॉल्ड लिबरल्स के जी बड़ा मीडिया पे सख्ती है, और हर किस्म के मैंने कि ये जर्नलिस्ट थे जो बड़े हमारे अगेंस्ट कॉन्स्टेंट कैंपेन करते थे। आज आप देखें कि सारा जो मीडिया है तकरीबन थोड़े से निकाल दें बीच में से सारा मीडिया ब्लैकआउट कर रहा है, हमें सारे मीडिया के ऊपर कैंपेन चल रही है हमारे अगेंस्ट। इसकी वजह क्या है? मीडिया के जो ओनर्स हैं वो कोऑप्ट कर लेते हैं ये अपने साथ, ये करते क्या है, ये जो स्टेटस को है, ये जो पूरे माफियाज हैं उसके अंदर उनको साथ मिला लेते हैं, और मीडिया के जो ओनर्स के इंटरेस्ट हैं वो इंटरेस्ट को वो देख लेते हैं, फाइनेंशियल इंटरेस्ट को, और वो फिर इनके टूल बन जाते हैं प्रोपेगेंडा के। और आप दूसरी चीज देखेंगे कि डायरेक्ट ये फिर फंड करते हैं जर्नलिस्ट को, एंकर्स को, डायरेक्ट फंडिंग जाती है, और फिर बैरूनी फंडिंग जाती है। मुझे 3 महीने पहले पता चल गया था कि बाहर से पैसा चल रहा है हमारे जर्नलिस्ट के ऊपर, एंकर्स के ऊपर। 3 महीने पहले मुझे एक एंकर ने आके बताया था कि पैसा चल रहा है और हमें ऑफर्स मिल रहे हैं। तो ये अनफॉर्चुनेटली मीडिया को कोऑप्ट कर लेते हैं ये जो पावरफुल इंटरेस्ट है माफियाज है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया में ऐसी जबरदस्त अवेयरनेस है कि वो जो जो नॉर्मल मीडिया है उसके लिए मुश्किल हो गया कम्पीट करना सोशल मीडिया से। अगर ये मीडिया कामयाब होता तो आज इस तरह पब्लिक तो ना हमारे साथ निकलती,
अनप्रेसिडेंटेड, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे पब्लिक नहीं निकली। इंशाल्लाह कल मीनारे पाकिस्तान में मैं एक्सपेक्ट करता हूं, क्योंकि मैं तो 26 साल पब्लिक की अवाम की पॉलिटिक्स करके आया हूं, इंशाल्लाह कल पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड क्राउड आएगा। वो क्यों आएगा? वो अगर आप ये मेन स्ट्रीम मीडिया देखें तो उनको तो नहीं निकलना चाहिए, तो हर वक्त नेगेटिव प्रोपेगेंडा है, क्योंकि वो सोशल मीडिया के जरिए इंफॉर्मेशन आप कोई नहीं रोक सकता उसको। मैं ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, ये एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोटेस्ट है, और प्रोटेस्ट है उनको बताने के लिए जिन्होंने ये साजिश करके, बाहर से भी जो लोग जिन्होंने साजिश की और जो अंदर बैठे हुए थे हमारे मीर जाफर, उन्होंने जो साजिश की, उनको ये बताने के लिए कि ये कौम वो वक्त चला गया कि जब एक तो जुल्फिकार अली भुट्टो को बैरूनी साजिश से उसको फारग किया गया था, तो तब इस तरह की जो मीडिया था वो बड़ी इजीली कंट्रोलेबल था, तब सोशल मीडिया नहीं था। ये जमाना और है, और ये लोगों की जो इस वक्त मुसलसल एक प्रोटेस्ट है, और ये मैं समझता हूँ, ये कई लोग समझते हैं कि जी ये बड़ी थोड़ी देर के बाद ये डाई डाउन कर जाएगा, मैं समझता हूँ कि ये डाई डाउन नहीं करेगा, ये एक तहरीक बन गई है और ये अब इससे और ज़्यादा आगे जाएगी, क्योंकि और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इस वक्त जो अवेयरनेस है, जो शऊर आ गया लोगों के अंदर, यूथ के अंदर, वो कभी भी इसको डाई डाउन नहीं होने देगा जब तक इलेक्शंस पाकिस्तान में नहीं अनाउंस होते। सर एक क्वेश्चन आ रहा है, आज डीसी ऑफिस ने एक सिक्योरिटी थ्रेट लेटर सर्कुलेट किया है कल के जलसे के हवाले से, और उस पर उन्होंने आपको रिकमेंड किया है कि आपको वीडियो लिंक से एड्रेस करना चाहिए और जाना चाहिए। सो उस पर बहुत से लोग क्वेश्चन कह रहे हैं कि आप आएंगे लाजमी का? बिल्कुल मैं आऊँगा 100%, मैं उस जलसे मीनारे पाकिस्तान के जलसे में, क्योंकि देखिए मीनारे पाकिस्तान एक बहुत हमारे लिए एक स्पेशल जगह उसकी है, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940 में उसको टेबल किया गया था, और वो एक हिंदुस्तान के मुसलमानों ने फैसला किया था कि हम आज़ाद रहना चाहते हैं, और आज़ादी के लिए वो जो आज़ादी, वो पाकिस्तान था सिंबल आज़ादी का, और उधर ही जाके हम अपनी हकीकी आज़ादी कैंपेन तहरीक लॉन्च करने लगे। जो मर्जी हो जाए मैंने वहाँ जाना है, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड क्राउड आएगा। देखिए हम बाहर बैठ के तो काउंटर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये इलेक्शन में हम जीत के आएंगे, हम ये सब कुछ बल्कि इनको तेज़ी से आगे की तरफ लेके जाएंगे। देखिए हमारा जो एम्फेसिस है ना, वो ये है कि पाकिस्तान अपने पैर पे खड़ा हो। पैर पे तब खड़ा होगा जो पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स उतने आए कि हम जो हमारी इम्पोर्ट्स हैं उसको मीट कर सकें। वो इंशाल्लाह हमारे रिकॉर्ड पाकिस्तान की तारीख में डॉलर्स हमारे दौर में आए, रेमिटेंसेस भी रिकॉर्ड 31 अरब डॉलर, एक्सपोर्ट्स भी रिकॉर्ड 32 अरब डॉलर,
पहली दफा आईटी की एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान में सही डायरेक्शन में, क्योंकि हमने आईटी के लिए बड़ी कंसेशंस दिए, टेक्नोलॉजी जोन्स बनाए, तो पाकिस्तान अब उस तरफ निकल गया। तो हमारी कोशिश है कि हमें कभी आईएमएफ के पास ना जाना पड़े और हमें कभी किसी से धमकियां ना मिलनी पड़े, क्योंकि हमारे पास, हम अपने पैर पे नहीं खड़े। लेकिन ये जो आप रिफॉर्म्स हैं, बिलियन ट्री सुनामी, ये जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, जो डैम्स हमने बनाई, वो तो खैर कोई नहीं रोक सकता, लेकिन सिंगल नेशनल करिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में। ये जो एजुकेशन अपार्ट एलीट के लिए जो सेपरेट सिस्टम था, उसको चेंज करना और एक नेशन बनाने के लिए। फिर जो हमने रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाई, उसका मकसद ये है कि सीरत नबी बच्चों को पढ़ाया जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक बड़ी कौम जो होती है, अजीम कौम बनती है, उसका कैरेक्टर बड़ा अजीम होना चाहिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना में ट्रांसफॉर्म की थी सोसाइटी, जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, वो लोग जिनको कोई यानी उनको कोई मानता ही नहीं था, दो सुपर पावर्स थी दोनों तरफ, वो देखते देखते उन्होंने 10 सालों के अंदर उसको ट्रांसफॉर्म करके और वर्ल्ड लीडर्स बना दिए, और ये तारीख का हिस्सा। तो उन्होंने जहन बदले थे, उन्होंने उनके एथिक्स ठीक किए थे। अमर बिल मारूफ सारी कौम को लगा दिया था अच्छाई के साथ खड़े और बुराई के खिलाफ। ये जो होता है ना कि जी मैं ना इधर हूं ना इधर हूं, ये उन्होंने निकाल दिया था इंसानों से कि आपने अच्छाई के खिलाफ और बुराई के अगेंस्ट। और फिर ये जो अदल और इंसाफ, ये जो चेंज लेके आए थे, ये तब आएगा अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सीखे, जो हमें हुक्म है कुरान से। तो ये जो चीजें हम लेके आए, ये इंशाल्लाह ये जो भी कर रहे हैं, ये ज्यादा देर नहीं रहेंगे और इंशाल्लाह हम आके सारी ये फिर से और तेजी से आगे लेके जाएंगे। सर एक क्वेश्चन है कि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में और बाहर बहुत से दूसरे मुल्कों में इस वक्त पाकिस्तान एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बना हुआ है, स्पेशली जो सब्जेक्ट ऑफ रिजीम चेंज है। सो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन कोई आपका फॉरेन मीडिया के साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ डेली। तो क्वेश्चन इज कि आप कब तक एक्सपेक्ट करें लोग कि आपका कोई इंटरेक्शन आएगा फॉरेन मीडिया के साथ? मैं ये इसके बाद इंशाल्लाह, ये जब हो जाएगा हमारा कल का जलसा, उसके बाद मैं फॉरेन मीडिया से बात करूंगा, मैं इंटरव्यूज भी दूंगा इनको। जी जिब्रान कोई क्वेश्चन? जी परफेक्ट साहब, लेकिन इससे पहले एक बहुत अगेन नंबर बहुत ज्यादा नंबर में क्वेश्चन आ रहा है। ये खान साहब आपको सच 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 कहना बड़ा कैंडिडली बताएगा कि जो संडे को पब्लिक निकली, जब ये एक दिन के बाद जब हमने कहा था कि संडे को आपने निकलना है, तो आपने सच सच बताएगा कि आपने इतनी पब्लिक एक्सपेक्ट की थी जितनी निकली थी संडे को लीडर्स के बगैर हर सिटी में? जिब्रान मैं आपको 100% सच बोल के बताता हूँ कि मैंने इसका 5% एक्सपेक्ट कर रहा था कि 5% निकलेगी जो पब्लिक निकली है। यानी मैं आंसर है इसके, मैं बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। उमूमन ये होता है पाकिस्तान के अंदर कि जब भी कोई जाता है तो लोग मिठाइयाँ बांटते हैं। जो भी मैंने जिंदगी में जिस भी आदमी को रिप्लेस किया तो लोगों ने मिठाइयाँ बांटी है। तो मैं खुद उसके डायनामिक्स है ना, थे कि हार जीत के डायनामिक्स होते हैं वो, और क्योंकि सारी जिंदगी मेरी हार जीत पे गुजरी है, तो वो कहते हैं ना कि फेलियर इज एन ऑफन एंड सक्सेस इज मेनी फादर्स। तो जब आप हारते हैं तो लोग एक ऑटोमेटिकली यानी आपके लिए निकलते नहीं है। तो मैं बड़ा यानी मैं मेरे लिए तो वो बड़ी, आप यकीन करें कि उससे जितना मुझे खुशी हुई लोगों को देख के, क्योंकि मैं तो चाहता हूं प्राइम मिनिस्टरशिप से ज्यादा कि हम एक कौम बने, कि कौम जो है ना वो फिर सब कुछ कर सकती है। याद रखें जो कौम है वो पैसे भी इकट्ठे कर सकती है, वो कर्जे भी दे सकती है, वो सब कुछ अचीव कर सकती है, लेकिन जब तक वो कौम नहीं बनती तो वो फिर इसी तरह ही रुलती है। तो मैंने पहली दफा देखा है साइंस, और मैंने अब जलसों में भी देखा है कि हम अब उस तरफ निकल गए हैं जिधर जो हमें आज से 75 साल पहले जाना चाहिए था एक कौम बनने के लिए। पैसे देने के अलावा ओवरसीज
देखिए जो ओवरसीज ने जो प्रोटेस्ट किए हैं ये भी अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की तारीख में। हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हर कैपिटल में जिस तरह निकले हैं तो ये भी इसने क्या साबित किया, इसने पहली दफ़ा बताया है कि हम ये नाइंसाफ़ी एक्सेप्ट नहीं करते, हम ये जो हुआ है ये जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई है और चोरों को हमारे ऊपर मसलत कर दिया बैरूनी साजिश के तहत, ये एक्सेप्ट नहीं हम करते। ये बहुत बड़ी इसका ये देखें, जब कौम जिंदा हो जाती है ना, मैं आपको फिर से बताऊं, कौम ही अपनी आज़ादी को प्रोटेक्ट करती है, कौम अपनी जमहूरियत को प्रोटेक्ट करती है, कौम जो है वो अपनी अपने इंसाफ के निज़ाम के साथ खड़ी होती है, प्रेशर करती है कि वो डिमांड करती है इंसाफ, कौम है जो कि अच्छाई के साथ खड़ी होती है और बुराई के खिलाफ खड़ी होती है। तो जब कौम इस तरह जिंदा हो जाए, मेरे ख्याल में ये अगर मैं आपको मैं कहूँ कि 26 साल की मेरी पॉलिटिक्स में जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई है वो अपनी कौम को इस तरह निकलते देखें। पहला क्वेश्चन क्या था, मुझे बाकी दो दिया क्या था, पहला क्वेश्चन क्या था याद, हाँ इलेक्शन। देखिए सबसे पहले तो कोई भी चीज़ उस केस के अंदर नहीं है फॉरेन फंडिंग, वो फॉरेन फंडिंग है ही नहीं उसके अंदर, बिल्कुल पार्टी को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। हालांकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमारे पीटीआई को किसी को कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि जिस तरह के उन्होंने फैसले अभी तक किए हैं, सिंपल चीज़ ये है कि आप फंडिंग ये सारी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि सारी पार्टीज की फंडिंग इकट्ठी देखी जाए, तो उनकी फंडिंग देख नहीं रहे और हमारे ऊपर चढ़े हुए, और हम बार बार कहते हैं कि हम पीछे नहीं हट रहे, हम चाहते हैं, और मैं इंशाल्लाह ये साबित होगा कि हमारी कोई भी हमारा गलत काम नहीं है, क्योंकि हमारी तो प्रॉपर पॉलिटिकल फंड रेजिंग है, बाकी कोई तो है ही नहीं। तो अगर वो साथ करें तो दुनिया को तो पता चले कि एक्चुअली कौन सी पार्टी एक जिस तरह दुनिया के अंदर जो एस्टेब्लिश पार्टीज है, कंजर्वेटिव लेबर है इंग्लैंड में या रिपब्लिक, ये कैसे फंड रेजिंग करती है, तो वह सबके सामने आ जाएगा। दूसरा आपका क्वेश्चन था फौज का, इलेक्टेबल्स। देखिए इलेक्टेबल्स जो हैं इनमें से कई बड़े हमारे साथ खड़े रहे और अनफॉर्चुनेटली कई सिर्फ और सिर्फ अपने जाती मफादात के लिए उन्होंने हमारे से बड़ी गद्दारी की। तो इसमें कोई शक नहीं कि इस बारी जो मैंने सबसे बड़ा फैसला किया कि टिकट्स, अब क्योंकि मैंने ये टिकट्स नहीं दी थे, ज्यादातर टिकट्स मैंने नहीं दिए थे, इस बारी टिकट्स एक टिकट मैंने जाने नहीं देना जब तक मैं खुद उसको स्क्रूटनाइज ना करूं। और बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, हमने प्रेफरेंस देनी है नजरिए पे, क्या उनका कोई बिलीफ सिस्टम है, कोई नजरिया है, या वो सिर्फ अपना देखते हैं कि किस तरह किस पार्टी के साथ जा सकते हैं और ज़ाती फायदा उठा सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस बार ये गलती नहीं होगी। सर एक ऑक्यूपाइड कश्मीर से एक क्वेश्चन है और उनका ये कहना है कि आपके दौर में मकबूजा कश्मीर के बारे में बहुत एक ऐसा मौकफ उठाया गया था जिस तरह पाकिस्तान ने पहले कभी नहीं किया था, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड उनका सवाल ये है कि प्रैक्टिकल स्टेप्स
जो हैं उसमें आपको कौन सी हिंड्रेंस आई थी ड्यूरिंग योर गवर्नमेंट स्ट्रेंथ, और आप किस तरह से प्लान कर रहे हैं कि आगे अगली टेन्योर में वो ना आए? कश्मीर की बात जी, कश्मीर के बारे में देखिए, पहले तो हुकूमतें पिछली बात ही नहीं करती थी कश्मीर की। नवाज शरीफ की तो एक उनकी उनकी फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन थी, उन्होंने तो इंटरव्यू दिया हुआ है कि इन्होंने हमें कहा था कि कोई हिंदुस्तान की तनकीद ही ना हो। तो इनके बड़ा ओवरऑल थे, घबराते थे हिंदुस्तान के की कोई भी तनकीद करते हुए, दोनों जरदारी और नवाज शरीफ। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि इनके पैसे पड़े हुए हैं वेस्टर्न बैंक्स में, ऑफशोर अकाउंट्स में, इनकी प्रॉपर्टीज बाहर है, और इनको सारा वक्त डर लगा रहता है कि ये जिस तरह रशियन ओलिगार्क्स की प्रॉपर्टीज जब्त की जा रही है इस वक्त, तो इनकी भी प्रॉपर्टीज किसी वक्त जब्त कर सकते हैं, क्योंकि ये साबित ही नहीं कर सकते इनके पास पैसा किधर से आया, कि वो चोरी का पैसा है। इसलिए इन्होंने कभी भी वो, क्योंकि इंडियन लॉबी बड़ी ताकतवर है और वो अमेरिका में बहुत ताकतवर है इंडियन लॉबी, तो ये सारा वक्त उनको खुश करने की कोशिश करते हैं ताकि वो जो जिधर इनके पैसे पड़े हुए बाहर के मुल्कों में वो सेफ रहे। और इसलिए इन्होंने कोई कश्मीर के लिए कभी किसी किस्म की स्टैंड या स्टेटमेंट नहीं दी। हमारी कोशिश ये है कि मैंने हमें हर फोरम के ऊपर कश्मीर की बात की जाए, लोगों को बताया जाए कि किस तरह का जुल्म हो रहा है वहाँ, और उसमें हमारी गवर्नमेंट बड़ी कामयाब हुई। हमने हर फोरम के ऊपर इसको उठाया और लोगों में अवेयरनेस रेज की, और ये फिर एक ये एक स्ट्रगल का हिस्सा है। आप जंग तो लड़ नहीं सकते, जंग लड़ने का तो सोचे भी कोई ना, क्योंकि जंग लड़ने का मतलब एक दो ताकतों के अंदर जैसे न्यूक्लियर आर्म्स हैं, आप सोचे भी ना जंग का। उसके अलावा हर फोरम के ऊपर, मीडिया पे, इंटरनेशनल फोरम्स, यूएन पे, हम इसको इस केस को उठाए रखें। और मैं समझता हूँ कि ये जो कश्मीर की आजकल अवेयरनेस है, जो जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है, ये जो हिंदुस्तान कर रहा है, मैं समझता हूँ ये कभी पहले नहीं थी इंटरनेशनल अवेयरनेस। जी जिब्रान, चेयरमैन साहब, कैन वी जस्ट हैव इट फॉर 5 मिनट्स, क्योंकि चले जस्ट 5 मिनट हैं जिब्रान, जस्ट हैव अ फ्यू स्पीकर्स और हम रैप अप करें। ठीक है, बिल्कुल। देखिए एक चीज़ प्लीज़ याद रखना कि मैं जब कैंसर हॉस्पिटल खोला था तो 6 साल मेरा ऑफिस था कैंसर हॉस्पिटल के अंदर, और मैंने वहाँ क्या चीज़ देखी कि हम जो समझते हैं ना कि हमें कोई ज़िंदगी के ऊपर कंट्रोल है, ये हमें बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि अल्लाह का फैसला है कि जब उसने आपको लेके जाना है तो कोई उसको टाइम ना आगे ना पीछे नहीं कर सकता। और ये जब आपके ईमान का हिस्सा बन जाता है तो आप ठीक एहतियात करते हैं, लेकिन एहतियात की भी लिमिट्स हैं। अगर आप समझते हैं कि आप अपने आप को बिल्कुल सिक्योर कर लेंगे, ये नहीं हो सकता। और अगर मैं अपने आप को कमरे में बंद कर लूँ, समझूँ मैं मेरी ज़िंदगी लंबी हो जाएगी, ये भी नहीं हो सकता। और इसलिए एक लिमिट्स में एहतियात करता हूँ, लेकिन आखिर में मेरा पूरा ईमान है अल्लाह में कि अगर वो आपको आपको वो आपका टाइम अगर उसने नहीं रखा हुआ तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और आपने जो दूसरी बात की पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ठीक, हम बड़ी एक मैसिव मेंबरशिप कैंपेन करने वाले हैं और हम अपनी पार्टी को मेंबरशिप कैंपेन के साथ साथ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मैं अब जो देख रहा हूँ कि हमारी पाकिस्तान में किसी पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन हमारा मुकाबला नहीं करेगी इंशाल्लाह। जिब्रान, रिक्वेस्ट जो है ना वो मैक्सिमाइज हो गई है, तो बहुत से लोग भेज रहे हैं, मुझे व्हाट्सएप भी कह रहे हैं, लाइक वसीम अकरम इज देयर, अजमल जामी इज देयर और बहुत सारे और हैं, तो जस्ट आस्क, एक ओपन माइक कर दें किसी का, ताकि अगर कोई पूछना चाहे तो कर लें और हम फिर रैप अप कर लें। अगर आपको वसीम अकरम देख रहे हैं, मुझे एक
पहले अर्शद शरीफ साहब जो है उनकी कभी कहा था मैं ढूंढ ढूंढ के जाके हूँ लेकिन वो देख ही नहीं रहा एक्चुअली वो फ्रीज हो गया है क्योंकि ट्विटर ने कभी इतना अपनी हिस्ट्री में 163,000 स्पेस में कभी नहीं देखा होगा तो वो भी इसलिए चल रहा है क्योंकि वो इमरान गजाली हमारा उसने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज उसका कुछ करो लेकिन ये सारे के सारे सिस्टम ना फेल हो गए मैं आपको पता है ठीक है इफ इट्स नॉट पॉसिबल ठीक है आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हम भी यहाँ पे क्योंकि वो मैसेजेस आ रहे हैं इट्स नॉट आवर फॉल्ट वो आपकी रिक्वेस्ट आ ही नहीं रही है और वो मैक्सिमाइज हो गया है सो दिस इज तो आई थिंक रैप अप करें जिब्रान पहले तो मैं आपको जो चीज़ हमने कोशिश की और वो ये सिर्फ एक चीज़ की कि हमारे मुसलमान मुल्कों के अंदर ये कभी भी सोच नहीं आई कि हम सलमान रुश्दी की किताब के बाद तकरीबन 30 साल पहले हर थोड़ी देर के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करता था बाहर और यहाँ हमारे तोड़फोड़ शुरू हो जाती थी उधर भी लोग निकलाते थे और मगरिब को पता ही नहीं था अवाम को ज्यादातर थोड़े से लोगों को जो फित्ता कर रहे थे उनको तो पता होता था अवाम को नहीं पता चलता था और वो तोड़ फोड़ करके और वो कहते थे जी देखे इस्लाम बड़ा तंग नजर है और वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है तो मैं तब से लगा हुआ था कोशिश करने लेकिन कोई इसकी आगे क्योंकि हेड्स ऑफ स्टेट जो हमारे ज्यादातर मुसलमान मुल्कों में है उनका इंटरेस्ट ही नहीं था क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था कि जो मुसलमान हैं मगरबी मुल्कों में और जिधर माइनॉरिटीज हैं उनके ऊपर क्या गुजर रही है तो देखिए अगर उनको सही माने में पता चल जाए जो मैं समझता हूं कि अगर आप फोरम्स में रेज कर लें तो हमने साबित किया कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने हमारे साथ मिलके वो 15 मार्च को एंटी इस्लामोफोबिया डे करार दिया तो ये मुझे खुशी है कि हम कम अज कम अपने 3 साल में वो कर गए जो कभी किसी पाकिस्तानी गवर्नमेंट या किसी मुसलमान मुल्क ने नहीं किया दूसरी चीज जी ये जो अभी आपने आखिरी बात की कि क्या थी आखिरी बात अभी क्या कहा इन्होंने मैं भूल गया हाँ प्रेसिडेंशियल देखिए देखिए ये जो 3.5 साल मैंने हुकूमत की है ये मेरे मैं हमेशा समझता हूँ कि मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल साल थे क्योंकि इसमें चैलेंजेस बड़े थे कोशिश हम कर रहे थे रिफॉर्म करने की रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करने की लेकिन हमारे पास वो स्ट्रेंथ नहीं थी गवर्नमेंट में कि हम जो ताकत चाहिए ये करने के लिए वो हमारे पास थी नहीं फ्रेजाइल गवर्नमेंट थी एक कोलिशन गवर्नमेंट थी सारा वक्त पार्टनर से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाता था ब्लैकमेल होता था फिर हमारे अपने जो बैक बेंचर्स जो ज्यादातर ये जो बाहर से आए थे बाद में जिनकी कोई लॉयल्टी नहीं थी वो ब्लैकमेल करते थे बजट पास करना अजाब होता था वो यानी हर कोई इंपॉर्टेंट बिल होता था उसके लिए हमें मुश्किल पड़ जाती थी कोरम हमारे पूरे नहीं होते थे इंटरेस्ट उनको था नहीं पार्लियामेंट में सो लेजिस्लेशन में इंटरेस्ट नहीं था बस सिर्फ डेवलपमेंट फंड्स के ऊपर वो सारे मुत्तफिक होते थे तो ये बड़ा मुश्किल है ये कोई ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है मैं आपको ये बता दूं ये सिर्फ तब चल सकता है जबकि एक माशरे के अंदर वो मॉरल एवोल्यूशन उस लेवल की हो उनकी अखलाकियात के मयार उस लेवल के हो के वो का तस्वर भी ना कोई करे हॉर्स ट्रेडिंग का तस्वर भी ना कोई कि पार्लियामेंट में आके पैसा बनाना है या डेवलपमेंट फंड्स ये तो ये तब चलता है ये सवाए एंग्लो सैक्सन मुल्कों के अंदर यानी 4-5 मुल्कों में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कनाडा इंग्लैंड ये चला नहीं है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्योंकि लोगों की जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं वो उतनी नहीं है जो कि इन मुल्कों के अंदर है
अब देखे ना वहां छोटी छोटी चीज पे वो एक्शन ले लेते हैं। मसलन एक ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर एक एक्सपेंसेस केस हुआ, तो दो दो तीन तीन चार चार हजार पाउंड के ऊपर उन्होंने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस किए हुए, तो उसमें जेल में डाल दिया लोगों को। तो यहां तो कोई यहां तो 40 अरब रुपए की करप्शन केसेस और एफआईआर केसेस नैब में है और एफआईए में, तो वो आगे प्राइम मिनिस्टर बन गया हमारा, ये तसव्वुर भी नहीं है उनकी डेमोक्रेसीज में। सो इसलिए ये जो हमारा सिस्टम है ये तब चल सकता है कि अगर हम एक पावरफुल, एक बड़ी क्लियर मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट में आए और टिकट्स भी उनको दें जो कि नजरियाती हमारे लोग हैं और उनके जरिया है, फिर तो ये सिस्टम चल सकता है। लेकिन अगर हम कोई चेंज भी चाहते हैं, रिफॉर्म्स भी चाहते हैं, और हमारे पास इस तरह के लोग हों जो यानी जिनका कोई नजरिया ही नहीं है और सारा वक्त ब्लैकमेल करिए, फिर बड़ा मुश्किल होता है ये इस सिस्टम में रिफॉर्म्स करना। एक मुझे पूछना था, मेरे पर्सनल सवाल है। खान साहब, आपने हमें पाकिस्तान से प्यार करना सिखाया, आपने पाकिस्तान की फिक्र करना सिखाया, आपने हमें पाकिस्तान की कदर करना सिखाया, तो आप ये सिर्फ बताएं सबको, इतने सारे लोग बैठे हैं, कि आप पाकिस्तान की साइकी जो जानते, मुझे लगता है कोई नहीं जानता, क्योंकि जब भी हम डिसअपॉइंट होते हैं 2013 में डिसअपॉइंट हुए थे, आपने कहा था इससे ताकत जाएंगे और शौकत खान ले ले कुछ ले रहे हैं, तो आप जरा सबको बताएंगे कि पाकिस्तान की आप कौम है और यू नो वेरी प्राउड, तो आप क्यों इतना हमेशा कॉन्फिडेंस होता है आपको पाकिस्तान में? देखिए हाँ, देखिए जिब्रान, जब मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आया तो मैं 18 साल का था, और उस वक्त हमारे सारे टीमों को कॉम्प्लेक्स होता था, अंग्रेजों का और ऑस्ट्रेलियन और इन टीमों का, कि हमारे अंदर एक एहसास कमतरी थी, और वो बाय द वे कलोनियलिज्म से, गुलामी से आ जाती है। गुलामी जो होते हैं ना, कलोनियलिज्म, ये सबसे बुरी जो चीज आपसे करती है कि आपके अंदर एक कॉम्प्लेक्स डाल देती है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। आप अपने अंदर बिलीव ही नहीं करते, आपका सेल्फ बिलीफ खत्म हो जाता है, तो आप इतने मुतासर होते हैं दूसरों से जो कि आप उनका, आप समझते हैं हम उनका मुकाबला ही नहीं कर सकते। तो हमारी टीम का भी यही था कि हम जीते हुए मैच हार जाते थे, क्योंकि हम पहले से ही हारे हुए जाते थे, हमें इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था, कि हम समझते थे कि हम ये हमारे से सुपीरियर है, क्योंकि अंग्रेजों की गुलामी भी की हुई थी तब, तो नई नई थी। और फिर देखते देखते हम आहिस्ता 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 जब मैं छोड़ के गया था, हम वर्ल्ड चैंपियंस बन गए और हमने उन्हीं लोगों को हराया। फिर तो यही पाकिस्तान का मसला मैंने रियलाइज किया कि हमारे जो हुक्मरान रहे हैं यहां, उनके अंदर सब में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। अब ये जो एक आदमी जो आज का प्राइम मिनिस्टर है, ये कहे बेगर्स आर नॉट चूजर्स, तो आप सोचे कि ये कौम को कैसे उठाएगा, जो पहले से कौम को कह बैठा है कि क्योंकि हम मकलूज हम गुलाम हैं, और वो अगला इनका मिनिस्टर कहे जी कि हम तो लाइफ सपोर्ट मशीन पे हैं। तो अगर आपकी लीडरशिप इस तरह की बातें करेगी तो वो कौम कैसे ऊपर जा सकती है? ये वही होगा जो हमारी क्रिकेट टीम का हाल था, कि हम पहले से मुतासर थे, हम जीते हुए मैच हार जाते थे, क्योंकि हम बिलीव ही नहीं करते थे अपने अंदर। सो पाकिस्तानी कौम को एक सेल्फ बिलीफ की जरूरत है, अपने अंदर एक एतमाद चाहिए कि हम कर सकते हैं। और ये जिस वक्त ये एतमाद आ गया, जो हमारी टीमों में आया, मेरी तो सारी टीमें कमजोर थी, जब मैं कैप्टन बना ज्यादातर तो हमारे प्लेयर्स निकल गए थे, लेकिन टीमों में ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि हम किसी का भी मुकाबला कर सकते, और फिर जीतना शुरू कर दिया। वही इस वक्त प्रॉब्लम पाकिस्तान का, हमारे लीडरशिप पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं। आप सोचे कि क्या सोचेगी कौम जब आपका प्राइम मिनिस्टर ओबामा के सामने, प्रेसिडेंट ओबामा के सामने बैठ के पर्चियां पढ़ रहा है और काम पर है उसके सामने, तो वो क्या कौम को सिग्नल जाएगा? या वो जरदारी जब वो उन्होंने आके ओसामा बिन लादेन पे ऑपरेशन किया तो वो छुपी गया 3 दिन, और फिर वो ओबामा ने कहता मैंने डर डर के इसको कॉल की कि पता नहीं कितना नाराज होगा कि हमने आपके मुल्क में आके आदमी मार दिया, तो कहता उसको मुबारक देनी शुरू कर दी, यानी बजाय उसे कहे एहतजाज करने के उसको मुबारक दी। तो जब हमारी लीडरशिप पे ऐसे लोग बैठे होंगे तो बताएं कि कौम कैसे उठ सकती है। और मेरा ये बिलीफ है कि जिस दिन, और ये जो मैं देख रहा हूं मूवमेंट, ये जो पब्लिक के अंदर मैं पहली दफा एक ऐसा एक नेशनलिस्ट, एक आजादी की फीलिंग, और लोगों को गुस्सा है कि हमारी कौम के ऊपर किस तरह का एक साजिश करके, बैरूनी साजिश में गवर्नमेंट गिराएंगे,
जो लोगों में मैं अब देख रहा हूं, ये इसका कोई इसका कोई मुतबादिल नहीं है। ये है जिससे पाकिस्तान एक कौम बनेगी, और इसीलिए मैं सबको चाहता हूं कि भरपूर तरीके से आपने सबने शिरकत करनी है मेरे साथ कल मनारे पाकिस्तान में अफतारी के बाद। और मैं इन सबको ये भी कहूंगा कि अफतारी पे पहुंचने की कोशिश करना, नहीं तो आप पहुंच ही नहीं सकेंगे क्योंकि इतने ज्यादा लोग वहां आ रहे होंगे कि वो फंस जाएंगे आप रास्ते में। तो इसलिए सब ने आना है क्योंकि इंशाल्लाह कल हमने हिस्टोरिकल वहां एक हिस्टोरिकल जगह के ऊपर एक हिस्ट्री क्रिएट करनी है जिधर एक पाकिस्तान की हकीकी आजादी की मूवमेंट शुरू करेंगे। थैंक यू जी।